Welcome back. HCL Tech is another stock which is doing quite well. Today, Nomura has come out with a report where they say that the recent deal wins could add about $300 million incrementally in FY20 and $500 million in FY21. So we have seen about a 40% year-on-year increase in the deal wins in the 9 months FY19 over 18. And these will help the company do much better. They expect the company to guide for a 7-9% organic constant currency growth in FY20. And including the IP revenues and the acquisitions, they expect the company to guide for 14-16%. So incrementally, a lot of brokerages have been coming out with positive notes on HCL Technology. All will depend on the kind of guidance the company has to give when it declares its numbers. Before we get to a few trading ideas from our experts, let's get you an exclusive from News18. Where our editor-in-chief Rahul Joshi and Prime Minister Narendra Modi in conversation told him that BJP is a mature manifesto from a responsible political party and their manifesto should be viewed on the basis of the government's track record. आप इस मैनिफेस्टो में क्या अहम बातें देखते हैं? सबसे बड़ी बात है जो एक जिम्मेवार दल और एक प्रकार से गंभीरतापूर्वक जिसको आगे भी सरकार चलाने की जिम्मेवारी मिलने वाली है पक्का है उसका जितना मैच्योर मैनिफेस्टो होना चाहिए उतना ही मैच्योर मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में पहली बार हमने 2022 और 2024 यानी 2022 और 2024 इसको हमने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है। इसका मतलब कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी 5 साल के बाद नहीं बीच में भी एक बार होगी ये अपने आप में पहले कोई करता नहीं था और हमने आज़ादी के 75 साल 75 कदम और पूर्णता के लक्ष्य वाले तय किए हैं। दूसरा हमने कहा है कि 5 साल देश का वो फाउंडेशन तैयार करेंगे जो आज़ादी के 100 साल होंगे तब देश को कहाँ पहुँचाना है। फिर कालाधन हो भ्रष्टाचार हो देश में बेईमानी हो इन सारे विषयों को कैसे हैंडल करना इसकी चर्चा की। राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में सभी मसलों पर हमने और वो एक मुद्दा ऐसा है कि जहाँ हमारे पहले जितने मैनिफेस्टो आए उन्होंने देश के साथ घोर अन्याय किया है। गरीब हो दलित हो पीड़ित हो शोषित हो वंचित हो आदिवासी हो उनके कल्याण के लिए समयबद्ध कार्यक्रम क्या हो महिलाएं हो युवा हो सीनियर सिटीजन हो उनके तरफ कैसे ध्यान दिया जाए गांव हो गरीब हो किसान हो उनके जीवन में कैसे बदलाव लाया जाए और देश को आधुनिकता की तरफ भी ले जाना है। देश में टेक्नोलॉजी का प्रभाव जो रहेगा वो विकास के अनुकूल कैसे हो सामान्य मानवीय के एस्पिरेशंस के अनुकूल कैसे हो और 2014 से 2019 हमने जो काम किया वो एक प्रकार से निराशा की गर्त में डूबे हुए देश को बाहर लाना नए आत्मविश्वास को पैदा करना और सामान्य मानवीय की जो आवश्यकताएं हैं उस पर हमने ध्यान केंद्रित किया। घर चाहिए बिजली चाहिए पानी चाहिए रास्ता चाहिए उस पर ध्यान आकर्षित किया। आने वाले 5 वर्ष बीते 5 वर्ष आवश्यकता की पूर्ति के थे तो आने वाले 5 वर्ष सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को ताकत देने के हैं उन आकांक्षाओं के लिए अवसर देने के लिए है। तो अगर आप ये घोषणा पत्र को देखें तो ये और पार्टियों के घोषणा पत्रों से कैसे अलग है खास करके कांग्रेस के घोषणा पत्र से? पहले तो नाम से ही फर्क है उनका घोषणा है हमारा संकल्प है हमने संकल्प पत्र कहा है। मैं चाहूंगा कि देश के विद्वत जन दोनों हमारे संकल्प पत्र और कांग्रेस की घोषणा दोनों का तुलनात्मक अभ्यास करें। दूसरा हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हमारे घोषणा पत्र को देखा जाए
तीसरा उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उनका घोषणा पत्र देखा जाए। कई बातें ऐसी हैं कि जिसमें आसमान जमीन का अंतर है। आज आतंकवाद को खत्म करने की एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हम खड़े हैं, तब आतंकवादियों को हर प्रकार से दबाव पैदा करना, डिमोरलाइज करना, साइकोलॉजिकल वॉर भी जीतना, उसके बजाय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में से ऐसा मैसेज निकल रहा है जैसे आतंकवादियों के प्रति नरमी बरती जाएगी, सिंपथी रखी जाएगी। जहां तक आर्मी का सवाल है, आर्मी के संबंध में जो कुछ भी कहा गया वो वैसा ही कहा गया है जो कभी न कभी पाकिस्तान बोलता रहा है। कोई भी देशभक्त नागरिक इस भाषा को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने एक बात कही आफसाब को हटाने की। अब आफसाब को हटाने की बात करने का मतलब है कि आप अपने सेना के जवानों के हाथ में से सारे शस्त्र ले रहे हैं। Well, and don't forget to watch the full interview tonight at 7 p.m. Well, the frontline index is down only around 30 points. So remember, that's following up yesterday's 60-point cut. But that's not the problem. The mid-cap index, you know, there are a lot of these stocks now that were holding more or less flattish with a cut of around 0.5%, 1%, case in point being something like a Raymond. That stock is now down more than 2.5%. So pull up the intraday chart out there. You have V-Guard as well that's seen some selling the last few minutes. So keep an eye out on a couple of these stocks, though. If you're looking at winners, well, there are barely a few, actually. And just to point out, one of them is Kajaria Ceramics. When we started off the show, the stock was down close to around 1%. Now it's recovered from the low point of the day, so keep an eye out on that one. But let's find out how you trade the Nifty from here. 11,570 is the level that we are at. Ashwini Gujral and Rajat Bose join us. Good day, gentlemen. Ashwini, coming across to you first. How would you trade the Nifty? Would you be looking to buy this dip? Today's 30 points, yesterday's 60 points, and expect a bounce from here? See, first of all, the market is sideways. And the other thing is that we are sideways in a 200-point range, 11,550 to say about 11,750 thereabouts. So within 20 points of the lower end of the range. So I would like to, try a buy trade here and possibly use a stop of about 11,500. The market is correcting, but that is after a substantial rally. So the idea should be that to expect a 2-3 day type of bounce from these levels. Having said that, Coal India is a buy with a stop of 234, target of 248. Canara Bank is a buy with a stop of 272, target of 286. And RBL Bank is a buy with a stop of 658, target of 672. Rajat Bose is also here with us on the show now. Rajat, would you buy the dip that we've seen in the last 2 days? What is your stance at the Nifty level? Well, I would say that instead of buying the dip, I would rather prefer to actually sell on rallies. I mean, for me, if the Nifty were to scale up to something like 11,600 to about 625, I would sell with a stop above 11,660 and expect 11,500 to be tested. And similarly, in Bank Nifty, although it is close to a major support window between 29,660 and 29,430, that is the support range. So Bank Nifty, I would not be selling here. I would see whether the support holds or not. That's the major support window that I just talked of. But regarding the Nifty, I would definitely sell on rallies. And for the stocks, I have chosen two stocks. Tata Communications, I would sell around this current price of 585. I'm talking about Tata Communications April futures. I would put a stop loss above 587.50 or 588 thereabouts, and expecting a level of 572 on the downside. And Raymond is another stock that I would sell at current prices, and I would put a stop loss above 786. And I would expect the level of 772 to about 771. Okay, thanks so much for that. Well, I'll come across to you, gentlemen, now for disclosures. Ashwini, first to you. We have long positions on the Nifty.
And Rajat? No, I do not have any positions in either of the two stocks or the Nifty that I've just discussed. Okay, thank you very much. For...